हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स पंजाब की तरफ से। सो एक बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों पंजाब में। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर पंजाब की वैकेंसीज आए तो मुझे बताइएगा। सो फाइनली दोस्तों कल की डेट में, परसों की डेट में दोस्तों ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया था पंजाब AWS स्कूल्स की तरफ से, जहाँ पर मेनली रिक्वायरमेंट है स्टाफ की दोस्तों LSB एंड CSB एग्जाम सेशन 2022-23, जहाँ पर वैकेंसी आ रही PRD, TGT, PGT एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की एक बिग रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पे मेनली बात करेंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, लास्ट डेट क्या है फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स आपकी एक भी गलती ना हो और आप इजीली इससे में अप्लाई कर सके फ्रेंड टाइम से पहले पहले। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर आप जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर सारी नोटिफिकेशन और वीडियोज़ वगैरह ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करिए फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। आपके एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। सो अभी के अभी जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ना चलते हैं दोस्तों AWS पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं कि वैकेंसीज कहाँ से आ रही है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आ रही है और हाउ यू कैन अप्लाई। सो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है AWS पंजाब का। तो मेनली यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों TGT कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन विद द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स एंड BEd विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन द बोथ। एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड ऑन द स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी CSB का दोस्तों आपको चाहिए बाय द EWS एंड द CTET एंड TET इज क्वालिफाइड विद 60% मार्क्स। तो CTET और CSB दोस्तों दोनों मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, बिना इसके आप अप्लाई मत करिएगा फ्रेंड, आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। इसके अलावा TGT में अनदर वैकेंसी है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टेड टीचर की, टीचर फॉर द फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए इन द फिजिकल एजुकेशन और BPED और द DPED अवार्डेड बाय द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 अकेडमिक सेशन प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज अटेस्टेड अ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड द बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स एंड ह्यूमनिटीज़ एंड द फिजिकल एजुकेशन ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हिसार। एप्लीकेंट शुड बी पास्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय द AWS। तो दोस्तों आपके पास CSB स्कोर कार्ड भी मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों TGT की हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे म्यूजिक की आ रही है। इसके लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन MA इन म्यूजिक चाहिए, वोकल या फिर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट TGT कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोस्तों आर्ट्स एंड क्राफ्ट की आ रही है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर की चाहिए, यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है हेल्थ एंड वेलनेस टीचर की, काउंसलर एज अ काउंसलर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों हेल्थ वेलनेस टीचर काउंसलर ग्रेजुएट विद द साइकोलॉजी विद द सर्टिफिकेट्स और द डिप्लोमा इन द काउंसलिंग विद द मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर। वेलनेस टीचर एंड द काउंसलर ग्रेजुएट इन द साइकोलॉजी और अ ग्रेजुएट विद द डिप्लोमा इन साइकोलॉजी। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। PRT का ये दोस्तों जनरल में मेनली ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आ रही है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, BA और BEd होनी चाहिए और टू ईयर डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन DPED विद द 50% मार्क्स इन बोथ। एप्लीकेंट शुड हैव पास ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट कंडक्टेड बाय द AWS एंड CTET इज मैंडेटरी विद 60% मार्क्स। तो यहाँ पे CSB स्कोर कार्ड दोस्तों कंपलसरी है और TET भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा PRT म्यूजिक की आ रही है, इसके लिए MA म्यूजिक वोकल चाहिए और इंस्ट्रूमेंटल चाहिए। PRT में आर्ट्स एंड क्राफ्ट की आ रही है दोस्तों, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए फिर डिप्लोमा इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज अ फ्रेशर्स आप बिलो 40 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हो और बिलो 57 ईयर दोस्तों 5 ईयर कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नॉन वोकेशनल स्टाफ आ रही है दोस्तों नॉन टीचिंग स्टाफ की, जहाँ पे एडमिन सुपरवाइजर की आ रही है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका चाहिए रिटायर्ड JCO प्रेफरली होल्डिंग द होनी कमीशन एज बिलो 55 ईयर। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, इसमें चाहिए आपका बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट इन द डिप्लोमा इन द लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन द कंप्यूटर रिलेटेड विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की आ रही है दोस्तों, इसके लिए आपका BLIP या फिर ग्रेजुएशन विद द डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड कंप्यूटर रिलेटेड विद द मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसके अलावा साइंस एंड लैब अटेंडेंट की आ रही है दोस्तों, इसके लिए 10+2 चाहिए साइंस में एंड कंप्यूटर रिलेटेड होना चाहिए। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिमम 10+2 विद अ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए आपके पास और नॉलेज ऑफ हार्डवेयर या प्रेफर नेटवर्किंग की आपके और नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, मिनिमम 10 पास होना चाहिए विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड एज बिलो 55 ईयर
एक्स सर्विसमैन विल बी प्रेफर्ड। नोट में कह रहा है दोस्तों, नॉन वोकेशनल स्टाफ प्रेफरली विल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन एज लिमिट बिलो 55 ईयर। ध्यान रखिएगा, जो नॉन वोकेशनल स्टाफ है मेनली एक्स सर्विसमैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो पहले से कहीं ना कहीं काम किया हो। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डेट इज 15th मार्च 2022। तो 15 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है प्लीज़ अप्लाई ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन द स्कूल रिसेप्शन और डाउनलोड फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.armypolisschool.chowalisr.organizations इन एंड द सेंट ई टू द स्कूल एड्रेस बाय द पोस्ट और बाय हैंड अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस CSB स्कोर कार्ड एंड सीटेड विद 100 rupees डिमांड ड्राफ्ट इन द फीमर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अमृतसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वैकेंसी आ रही है पंजाब के अमृतसर से आ रही है, APS स्कूल अमृतसर। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्कूल में जाके फॉर्म लेके दोस्तों फिल करके सारी कॉपीज आप अटैच कर दीजिएगा विद 100 rupees DD इन द फेवर ऑफ APS स्कूल अमृतसर। ठीक है फ्रेंड, बिफोर लास्ट डेट प्लीज़ मेंशन ईमेल आईडी फॉर द लॉ फास्टर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन रिसीव बाय द मेल एंड विदाउट सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एडमिट इन द CSB स्कोर कार्ड एंड सीटेड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन नॉट बी प्रेस्क्राइब फॉर्म विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। ध्यान रखिएगा, कह रहा है एक मेल आईडी दोस्तों आपको कंपलसरी देना है ताकि आप इजीली कांटेक्ट कर सके वो लोग, और आपको मेल पे दोस्तों कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर मान लो आपने सारे क्वालिफिकेशन भी दोस्तों उसमें नहीं डाली है, यानी जो जो रिक्वायरमेंट है जैसे ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए या फिर CSB स्कोर कार्ड चाहिए, सीटेट चाहिए, तो अगर आप वो नहीं डालते तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और पूरा फॉर्म भी अगर दोस्तों आपने नहीं भरा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी को नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरा जाता है तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है नेक्स्ट, ओनली द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। केवल शॉर्ट लिस्टेड को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी टेस्टेड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो उस दिन दोस्तों आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा एंड लैंग्वेज टीचर के लिए दोस्तों आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यही दोस्तों एक बिग रिक्वायरमेंट थी फाइनली जो कि आ रही है वैकेंसीज। आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल्स अमृतसर वो खास है डिस्ट्रिक्ट एंड अमृतसर पंजाब की तरफ से। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई करिए बिफोर 15th मार्च। सो यही बिग अपडेट देनी थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों को तो पहुँचानी थी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।